वीडियोस, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दो कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई, 800 किलो प्लास्टिक पन्ने जब्त। बारिश के बाद उमस से लोग परेशान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। महानगर पालिका के एनडीएस दस्तों ने अलग अलग जोन में चल रहे दो कोचिंग क्लासेस पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन के चलते जुर्माना ठोका। सतरंजीपुरा जोन में नामदेव नगर स्थित एलायंस कोचिंग क्लासेस से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिसके चलते संचालक पर 5,000 रुपए का दंड लगाया गया। वहीं आसी नगर जोन में बुद्ध नगर स्थित मोमेंटम ट्यूशन क्लासेस पर भी कोविड नियमों का उल्लंघन करने के चलते 15,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। दूसरी खबर, गांधीबाग और सतरंजीपुरा जोन में एनडीएस के दस्ते ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित वन टाइम यूज होने वाली प्लास्टिक की पन्नियों को जब्त करने की कार्रवाई की है। दस्ते ने 750 किलो पन्नी जब्त कर एक संचालक पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। वही धर्मपेट जोन में सीताबर्डी झांसी रानी चौक स्थित एक सभागृह में चल रही सेल की जांच में भी 50 किलो प्लास्टिक पन्नियां मिली, जिसे जब्त कर सेल संचालक पर 5,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। तीसरी खबर, नागपुर में 3 दिन रुक रुक कर हुई बारिश के बाद धूप निकल आई है, जिससे उमस का मौसम फिर शुरू हो गया है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने बीते 7 सितम्बर से फिर बारिश होने का अनुमान लगाया था, लेकिन वो ज्यादा सटीक नहीं निकला है। जिले में पिछले 2 दिन बारिश का अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। आज शनिवार को जिले में सुबह से बादल और धूप में आग मिचौली का खेल जारी रहा, जिससे उमस का माहौल निर्मित हो गया, लेकिन अभी भी आम जनता को बारिश का इंतजार है। हालांकि शहर की निचली बस्तियां इससे परेशान है, क्योंकि उनके घरों में बीते दिन हुई बारिश के कारण पानी भर गया था। मकान कच्चे होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सहारा लेना पड़ा। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।